बॉलीवुड फिल्म तेरे नाम के राधे का प्यार निर्जरा यानी भूमिका चावला काफी समय से फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं, जिसको लेकर लोगों का ये मानना है कि उन्होंने शादी और बच्चे की वजह से ही फिल्मों से अपने आप को दूर कर लिया है। जिस पर अब बात करते हुए भूमिका चावला ने खुलासा किया कि लोग गलत फहमी में हैं। बॉलीवुड फिल्मों में उनके न दिखने का कारण उनकी शादी या बच्चा नहीं है। इसके साथ ही भूमिका ने फिल्मों में न दिखने की वजह भी बताई है, जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हम आपको इस वीडियो में उसी वजह के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल NN Bollywood को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बता दें कि भूमिका चावला ने साल 2000 में ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा, जिस दौरान वो तमिल और तेलुगु फिल्मों में दिखी, जिसके बाद उन्हें साल 2004 में फिल्म तेरे नाम का ऑफर मिला, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके किरदार ने उन्हें लोगों के बीच पहचान दिलाई, लोगों ने उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया। यही मौका था जब उनका करियर ऊंचाइयों पर जा सकता था, लेकिन इसके कुछ ही सालों में उन्होंने योगा टीचर भरत ठाकुर से शादी कर ली। 2007 में शादी करने के बाद साल 2014 में वो माँ भी बन गई। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने यश रखा। इसके बाद वो बॉलीवुड फिल्मों में नहीं दिखी। ऐसे में लोग ये मानने लगे कि भूमिका अपनी फैमिली की वजह से इंडस्ट्री से दूर हो गई हैं। जिस पर बात करते हुए भूमिका चावला ने एक शीर्ष मीडिया वेबसाइट से कहा, उन्हें इंतजार है कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ये जान जाएं कि वो अब भी काम कर रही हैं, जिससे वे उन्हें संपर्क कर सके। उनका कहना है कि जब तक आप ऑन स्क्रीन दिखाई नहीं देते हैं तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि आप शादीशुदा हैं और आपका एक बच्चा है, इसलिए आप काम नहीं कर सकते। भूमिका बताती हैं कि उन्होंने कभी ब्रेक नहीं लिया, वो अब भी साउथ फिल्मों में एक्टिव हैं। उनकी 3 फिल्में अभी रिलीज के लिए तैयार हैं। वहीं उनकी एक फिल्म की शूटिंग इस साल अक्टूबर नवंबर तक शुरू हो सकती थी, लेकिन डेट्स की कमी होने की वजह से और ओमिक्रोन की वजह से ये लगातार टल रही है। इसके अलावा उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, जो जनवरी फरवरी के महीने में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसे भी पैंडेमिक के चलते आगे बढ़ा दिया गया। उनका मानना है कि आजकल OTT ज्यादा सही प्लेटफॉर्म हो गया है। भूमिका का कहना है कि बच्चे होने के बाद भी आपका काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप बिल्कुल अकेले रह जाते हो। वो कहती हैं कि उन्होंने हमेशा अपने स्पेस को एंजॉय किया है और हमेशा अपने काम पर सारा ध्यान केंद्रित किया है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।